टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड क्लास में शायद डिस्कस किया था तुम लोगों को, टार्टरिक एसिड वाले पार्ट में हमने एक सी ओ एच वाला पार्ट है, फिर उसके बाद सी एच ओ एच सी एच ओ एच, एक सेकेंड इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं हम लोग, कंपाउंड वाले पार्ट में सी ओ एच वाला पार्ट है सी एच सी एच सी एच सॉरी सी ओ एच, ये हम लोग का टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों सी एच के ऊपर ओ एच वाले पार्ट होते हैं। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड है और दो कायरल सेंटर है, अगर दो कायरल सेंटर है सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, केवल ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट 2 टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा, इसका मतलब 2 टू द पावर 2 माइनस 1 बेसिकली 2 के बराबर होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं।